थोड़ा सा हाथी देख लें। हेलो, इतने है? क्या बात है, तो चलिए दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं द ग्रेट बुद्धा फुकेत, और ये टाइगर पार्क के कुछ 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका जो काम चालू हुआ था वो था 2004 में, और उसके बाद 2017 में ये ऑलमोस्ट 80% कम्प्लीट हो गया था। 19-20 के आसपास ये पूरा कम्प्लीट हो चुका था, और ये थर्ड लार्जेस्ट स्टैचू है बुद्धा का आफ्टर ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड एंड लुआंगफो याई। ये दो हैं इन बुद्धा जी से ऊपर, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये है जी ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड, और ये है जी लुआंगफो याई। और जो ग्रेट बुद्धा ऑफ फुकेत है वो 148 फीट टॉल है, 83.5 फीट वाइड है। इसको बेसिकली बुद्धिस्ट ट्रेजर ऑफ फुकेत भी कहा जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि इसको बनने में अप्रॉक्सीमेट 30 मिलियन बाथ लगे थे, जो कि अप्रॉक्सीमेट 9.5 मिलियन $ के मुताबिक है, और जो कि मोस्टली डोनेशन से बनाया गया है। इसकी अप्रूवल के लिए रॉयल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इनको अप्रूवल लेना पड़ा था, थाईलैंड जो सरकार है उसको, और उसके बाद ये मुमकिन हो पाया था। ये जंगल में ये जो माउंटेन है, इस माउंटेन का जो नाम है वो है नकेर्द हिल, चालोंग के पास पड़ता है ये। इसका जो एक्सपेंशन जो हुआ था बेस का पूरा, वो 2015 में कम्प्लीट हुआ था। तो अभी हम चलिए आपको उसी के, हम आपको अंदर तक लेके जाएंगे गौतम बुद्ध का जो ये सिटिंग स्टैचू है। तो चलिए चलते हैं अंदर और लेते हैं एक इनसाइड व्यू ऑफ द ग्रेट बुद्धा फुकेत। ड्रामे दे रुपया देना 2600। थोड़ी लखा रुपया है। Thank you.
फिल्म चल रही है सागर दी वीडियो वीडियो बनानी है हां सही गल है ना सागर दी वोटी नु दिखा ला हैवी है यार मजा आ रहा ना हूं यस यस क्या लेना उरे की करना हो उठे तो लेना सी किना मेरा लोड रेट का देख ले 300 का घंटा छोटा है किने का पीछे ए ना ये कितनी है किने का 50 150 बाद में बहुत ज्यादा नहीं नहीं आप लवेंगे आप मार्केट जावे एक हर चीज बहुत अच्छी हर चीज बस हो गया कसो निकी शुनकनी जाई बेटा सारे चढ़ के आए मेहनत यार करके आए ज्यादा थाने ना भाजी हां लिफ्ट नहीं आंदे ये जनरल डायर की कर रहे आवड़े बहुत मज़ा आया जी गौतम बुद्ध का टेंपल देख के और इतना बड़ा स्टैचू देख के स्टैचू की हाइट वगैरह तो पता नहीं कितनी है यार कितनी को होगी 80 फीट आई थिंक हाँ 80 फीट 80 फीट नहीं ये ज़्यादा होगी यार चलो कोई जितनी भी है पर बहुत बहुत अच्छा था यार देखने में और बहुत सही एम्बियंस थी यार मज़ा ही आ गया कोई टिकट वगैरह तो नहीं है इधर ऐसे ही जाओ घूमो फिरो और आ जाओ तो गाइस ये रास्ता है बढ़िया रास्ता है यार मतलब बड़ा मज़ा ही आया इधर घूमने का ज़्यादा टाइम लगा नहीं हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं सिर्फ हमें घूमने में 30 मिनट्स टू 1-1.5 आवर आप यहाँ पे इजीली स्पेंड कर सकते हो तो अभी हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए कितने चले अभी आप पता कुछ है नहीं सानू देख लो खाफुन खा जितने लंच करना है हाँ जहाँ लंच करना है वहाँ पर जा रहे हैं खाफुन खा मैंने तो यहीं से आगे आशीर्वाद मिल रहे हैं तो क्या भी आशीर्वाद मिलता है यहाँ पे तो यार ये सारे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिक्का डालना है तो मैं भी डाल देता हूँ 5 बात ये 5 बात ही है ना हाँ जी यस 5 बात 5 बात 12.5 रुपये 12.5 रुपये चकला साढ़े दान पत्र एक ही होंगे भाई
बेसिकली कुछ नहीं, दान पात्र है यार ये। नहीं नहीं यार, मैं तो दादा कि होता कई जगह ना 108 लाइव में होते 108 में जरा चेहरे ना जो से था वो समझरी का वो तो हो सकता है मंदिर जाओ ना 108 सर पैसे क्यों पाने का मैं पैसे क्यों पूछे रुद्राक्ष है ना इससे तक कुछ नहीं रखे नहीं वाले की पैसे पा रहे हैं थोड़ी रात काट दो कोई काट दो कोई शायद पैसे इस वास्ते पा रहे हैं ताजी जान देन की ना होता है ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੌਂਕ ਨੂੰ ਪਿਕਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੇ ਦਾਨ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਾ सारे बोल रहे हैं कि अब JBL चलाना, तो मैंने इसको गले में डाल लिया। अब हम करेंगे स्कूटी तत्ते तत्ते बूम बाम कहते बम बम बूम 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 चलो चलेंगे कसूटी पे भाई। यहाँ पे आया हम बानपुर दो लेकर थे पीछे रूम में सीपी दिख रही है बुकिंग काफी सीपी जान दी ध्यान दी आठ दी उधर उठावांगे जान दी सब अच्छा वो थोड़ा फेरी शुरू चलो ही चलो जी चलो करो भाजी फुल मजा Oh, my God.